हाँ जी, सो बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और आप लोगों को चेंज भी दिख रहा होगा, हेयर कट वगैरह अपन ने करवा दिया है। काफी सारे लोग पूछे थे, भैया क्या बात हो गई, ऐसे छोटे मोटे बाल क्यों करवा लिए? भाई ऐसे जस्ट फॉर अ चेंज अपन ने बाल वाल कटवा दिया, और थोड़ा सा अभी काम वाम में बिजी चल रहे हैं, इसलिए यार व्लॉग व्लॉग भी नहीं आ पा रहे। काफी सारे लोग जब पूछते ना तो मैं उनको जवाब दे ही नहीं पाता, मतलब क्या ही जवाब दूं, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं कब तक ये लोगों को बोलूँगा यार टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ भी सच्ची में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा शेड्यूल ना थोड़ा होच पोच हो रखा है, इसलिए हो नहीं पाता। इसलिए अभी जैसे भी आ रहे होंगे, पता नहीं कैसे मैं वीडियो डाल रहा, कब डाल रहा, ये वाला व्लॉग भी कब डाल रहा। तो अभी मैं, आज एक इवेंट है जयपुर के अंदर ऑफ रोडिंग का, तो मैं वहाँ पे जाने वाला था। इससे पहले कि थार का एक काम कराने जा रहा था, तो मेरे को एक चीज़ दिखी, बहुत ही मस्त चीज़ है, शायद मेरे को लगता नहीं आप लोगों ने देखी होगी अभी कहीं पे, तो मैं सोचा आपको दिखाऊंगा। और ऐसी एक और चीज़ मैंने देखी थी, वो भी बताऊंगा कहाँ पे। तो अभी की अपडेट ये है कि अभी व्लॉग अभी धीरे धीरे ही आएंगे भाई, सैटरडे संडे का टाइम मिला तो व्लॉग कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, वो बहुत ही अमेजिंग है, और यार और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों से मेरे को बातचीत करनी है, वो आने वाले टाइम पे मैं करूँगा। देखो ये 4-5 महीने में जो मैंने व्लॉग नहीं किया ना, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊँगा। और जो क्या हुआ, क्यों इतना मैं बिजी था, वो सारी चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे आँखों के सामने खड़ी है, और मतलब आपको भी मज़ा आ जाएगा अगर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो आप लोगों ने भाई फॉर्च्यूनर देखी होंगी, लेकिन ऐसी फॉर्च्यूनर तो नहीं देखी होगी। चाबी गई मेरी गाड़ी की, पहले चाबी गिर गई, चाबी मिल गई। तो भाई ये है असली फॉर्च्यूनर, क्या बात कर रहे हो, बोला था ना। तो ऐसा ही मैंने एक और व्हीकल देखा था आर्मी के लिए, जब मैं पुष्कर फेर से आ रहा था ना, तब रास्ते में मिला था मेरे को जो कल्याणी वाले जो ट्रक थे ना, जो बने हुए थे ऑफरिंग वाले, जो आर्मी के लिए थे, वो मैंने पता नहीं व्लॉग में दिखाया होगा नहीं दिखाया होगा। भाई क्या चीज़ है ये, टायर देख लो भाई, मिशलिन के हैं भाई, ट्यूबलेस। कौन सी आर्मी के लिए जा रहे हैं वो देख रहा हूँ मैं तो, बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार, क्या ही दिख गया ये बजर बट। ये टोइंग रूप देखो भाई इसका, भाई क्या ही लग रहा है यार ये। तो नहीं दिखाया होगा तो दिखा देंगे। तो ये है भाई, कैसे लग रही है अंकल जी, जोरदार लग रही है ना, बताओ किसके लिए है ये, बताओ है? इंडियन आर्मी के लिए है। हाँ, देखो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले अपन विलेज में घूमते थे। कलर तो भी इंडियन आर्मी का है, मगर मुझे ये है क्या सिस्टम इसमें, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ही तो बहुत खतरनाक है, आओ दिखाते हैं आपको। इंडियन आर्मी को दी है, राजस्थान में भी मिली है शायद वो, ये राजस्थान के लिए उतरी है। नहीं नहीं, ये पूना में जाएगी बता रहे हैं भैया, एक तो क्या है ट्रक में आई थी, यहाँ पे ट्रक का कुछ काम हो रहा है, टायर वगैरह का ग्रीसिंग वगैरह, वापस चढ़ाएंगे इसको। तो आज इवेंट में चलेंगे ना, वहाँ पे भी काफ़ी उधम होगी, उससे पहले मैं सोचा कि आप लोगों को एक गाड़ी दिखा दूँ यार। टोयोटा वाले की है, टोयोटा वाले की, हाँ टोयोटा वाले की, रैप हो रखी है इस पर, हरे कलर का पेंट हो रखा है, अंदर से भी दिखाऊंगा आपको, सब्र करो अभी ऊपर से तो मैं, क्या बात है यार, चढ़ने का भी जुगाड़ है यार, भैया एक बार देख लो ना ऐसे ऊपर जाके। ओ जी है नहीं देखो, ये क्या लगाओ, बंदूक लगी हुई है क्या है भाई साहब, यार मेरे को बंदूक तो नहीं लग रही, कुछ और ही लग रहा है ये, पता है क्या है ये, मुझे पता है क्या लग रहा है, ये है छतरी जैसा टाइप, जो छतरी आती है ना ओपन होती है ना, बंदूक बंदूक नहीं लगी हुई, बंदूक लगी होती ना तो क्या अंदर नहीं, कंप्यूटराइज तो है, मुझे लग रहा है कोई सिग्नल विग्नल देने की चीज है यार ये, हाँ सिग्नल वाली है, छतरी लगी हुई है ना देखो, जो टाटा स्काई जैसी नहीं आती वैसी लगी हुई है, अगर इसमें बंदूक बंदूक लगी होती ना तो अंदर से कटा हुआ होता, पहाड़ों में टावर आवर नहीं पकड़ता, पहाड़ों में तो नहीं, पहाड़ों के लिए तो नहीं है ये, बाकी हो भी सकती है 4x4 है ये। चलो अंदर से, अंदर से दिखा देता हूँ, बिल्कुल एकदम रॉ, और ये हाँ 4x4 वाला ही मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके अंदर, यहाँ पे देख लो ट्रैक्शन ऑफ 4x4 वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी आप लोगों को। अभी पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत ही मज़ा आएगा, ये देखो क्या क्या भाई लगा रखा है पीछे सेटअप, भाई क्या ही क्या लगा रखा है इसमें, तो भैया वो भी आया है ये देखो, वो एक सेंसर भी लगा हुआ है पीछे,
लाइटें लुइटे सब लगी हुई है, एसी वेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं इसके। क्या बनाई है भाई, काहे चीज के लिए है ये? पीछे से देखते रहो, युद्ध में ही है, युद्ध में काम आएगी। मीडिया वाले नहीं, आर्मी वाले, गेट बंद कर दो भैया, वो मिट्टी जाएगी अंदर। आर्मी वाले की है भैया यहाँ पे ये। यार ये चीज तो दिखाना बनता है ना यार, काफी सारे लोगों को पता लगना चाहिए ना कि इंडिया किस लेवल पे तरक्की कर रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? मतलब यार ये चीज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कल्याणी वाले जो देखे थे ना ट्रक, वो तो थे ही, वो मैं अंदर से नहीं देख पाया था, लेकिन यार ये फॉर्च्यूनर बहुत कॉमन देखने को। यार ये क्या सिस्टम है, फॉर्च्यूनर क्या है, बहुत कॉमन दिखती है ना, नॉर्मल लोगों के पास दिख जाती है, नॉर्मल लोगों के पास गाड़ी दिखती है वो, और ये कितना फर्क है। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस गाड़ी के अंदर। आर्मी वालों के लिए सही यूटिलिटी बनाई है यहाँ पे, देखो प्लग वगैरह डाले हैं। मुझे नहीं पता, ये तो फ्यूज बॉक्स लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या ही क्या चीजें हैं भाई, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डाले फिर कोई, मतलब क्या कि अपने जो ये एलएनटी का लगा हुआ है लोगो यहाँ पे, लार्सन टर्बो वाला। हाँ बहुत ही बढ़िया यार ये। अच्छा ऐसे बैठने के लिए है ये स्टार्ट कर दी भैया ने, ये डीजल वाली है। यार ये गनवन वाला तो हिसाब किताब नहीं है इसमें, वो छतरी वाला हिसाब है, कुछ सिग्नल विग्नल देने वाली चीज है ये, शायद लेके ही जा रहे हैं ये। बाकी यार इंडियन आर्मी के लिए कमेंट तो बनता है यार, और जिसने भी ये काम किया है ना उसके लिए भी। अच्छा थोड़ी टेढ़ी लगा दी भाई ने, है ना भाई, अमेजिंग चीज। कहाँ फॉर्च्यूनर के दाम पहुंच गए भाई, 50-60 लाख रुपए भाई साहब ले रहे हैं फुल सेल्फी। टायर इसके अंदर दिए हैं भाई ब्रिजस्टोन वाले। यार वो मैं कल्याणी M4 वाले, अगर मेरे को फुटेज मिले तो इसी वीडियो में मैं अटैच कर रहा हूँ, वो भी दिखाएंगे। और इग्नोर करना है जो लोग मेरे को पुराने टाइम से देख रहे हैं ना, तो हेयर कट वगैरह करवा लेते तो थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए बस। तो मेरे को जो लग रहा है ना यार, ये कुछ मतलब ऑफ रोड पर्पज वाली तो गाड़ी नहीं है, क्योंकि देखो दी है 4x4, लेकिन क्या है इसके अंदर जो टायर वायर्स है ना वो नॉर्मल वाले ही हैं, ST टायर से इसके अंदर ब्रिजस्टोन के ST लगे हुए हैं। टायर का वही साइज होगा मुझे लगता है, ये कुछ खास टायर्स लगाए हैं वही है 265/60R18। काश इसको मैं पीछे से भी खोल के दिखा पाता। पूरा खुल गया। ओ भाई क्या क्या लगा रखा है ये देखना ऊपर, मजा आ गया भाई साहब। चलो भाई अभी निकलते हैं, फॉर्च्यूनर को करते हैं टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट समझ में आया हो तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना कि किस चीज़ के काम आने वाली है ये वाली जो गाड़ियाँ यहाँ पे। ये भैया तो ये बता रहे थे कि पूना लेके जाएंगे इनको, और ये ट्रेलर यहाँ पे कुछ काम करवाने आया था, मतलब ग्रीसिंग वगैरह का काम था। चलो चलते हैं और आपको लेके चलते हैं आज एक ऑफरिंग वाले इवेंट पे, बहुत दिन हो गए एडवेंचर दिखाए हुए। चलो अरे भाई साहब टायर फट गया आपका ये। आई भाई जिप्सी।